नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय मराठी विषय में देखिए, पाठ पहला है, कविता है झाड़। इस कविता का वाचन आप कर चुके हैं पुस्तक के माध्यम से इसके पहले वाले वीडियो में। एक बार फिर से हम इसका वाचन देखते हैं। ऐका व मढ़ा, इस कविता को पढ़ करके इस पर आधारित स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर से अवगत होंगे। तो आइए हम मराठी में इस कविता का वाचन करते हैं। चिंगी ने लावले एक झाड़। देखिए यहाँ ऊपर बिंदी लगी हुई है, यहाँ भी बिंदी लगी हुई है, तो इसका वाचन हम चिंगी, यहाँ बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार जिसे कहते हैं, तो चिंगी ने लावले एक झाड़, झाड़ा ला मनहाली लौकर वाड़, तुला रोज घालिन पानी, तुझा साठी गाइन गानी, गाणी ऐकून फुले फुलतील, फूल पाखरांचे थवे झुलतील, फुलतील फुले छान छान, हसत राहिल पानन पान। तो यह कविता है, तो इस कविता का वाचन हम कई बार कर चुके हैं, फिर से देखिए। चिंगी ने लावले एक झाड़, झाड़ा लमनहाली लौकर वाड़, तुला रोज घालिन पानी, तुझा साठी गाइन गाणी, गाणी ऐकून फुले फुलतील, फूल पाखरांचे थवे झुलतील, फुलतील फुले छान छान, हसत राहिल पानन पान। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, चिंगी ने काय लावले, चिंगी ने काय लावले अर्थात चिंगी ने क्या लगाया। तो इसका उत्तर होगा, याचे उत्तर होनार, चिंगी ने एक झाड़ लावले, चिंगी ने एक झाड़ लावले। प्रश्न दूसरा बगा, चिंगी झाड़ाला काय मनहाली अर्थात चिंगी ने पेड़ से क्या कहा। तो उत्तर है बगा, चिंगी मनहा झाड़ाला मनहाली लौकर वाड़। तीसरा प्रश्न पहा, चिंगी रोज काय करनार। उत्तर आहे पहा, चिंगी रोज झाड़ाला पानी घालनार, चिंगी रोज झाड़ाला पानी घालनार। प्रश्न चौथा आहे, गाणी ऐकून काय होणार। उत्तर पहा, गाणी ऐकून फुले फुलतील, गाणी ऐकून फुले फुलतील। प्रश्न पांचवा, फुले केव्हा फुलतील। उत्तर आहे पहा, गाणी ऐकून फुले फुलतील। यह प्रश्न, फुले केव्हा फुलतील, गाणी ऐकून काय होणार, तो गाणी ऐकून फुले फुलतील। इस प्रश्न का भी उत्तर यही है कि गाणी ऐकून काय होणार, गाणे ऐकून फुले फुलतील। और दूसरा प्रश्न भी है बनेगा कि फुले केव्हा फुलतील, यानी फूल कब खिलेंगे। तो इसका भी उत्तर इसी तरह से लिखा जाएगा कि गाणे ऐकून फुले फुलतील। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से झाड़ इस कविता का वाचन करिए, लेखन करिए, और इसमें आए हुए स्वाध्याय, इसमें स्वाध्याय नहीं है परंतु ये स्वाध्याय को बना करके इसमें कुछ प्रश्न बनाया गया है, प्रश्न बना के उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। धन्यवाद सभी को।